वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी। चलिए, हमने कल मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस रीड करना शुरू किया था। इसको रिकॉल करते हुए आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इन आवर लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द इनिशियल फाइव फंक्शंस और फाइव स्टेप्स इन द मार्केटिंग प्रोसेस, राइट? वी हैव डिस्कस दैट इन मार्केटिंग The marketing manager starts with analyzing the market, gathering and analyzing the information related with market, and during this he conducts a SWOT analysis. और वो देखता है कि क्या उसकी strength है, क्या उसकी weaknesses है, क्या opportunities उसके लिए available है, and what are the threats. Then after he plans for the entire market, वो सोचता है कैसे उसको अपना goal achieve करना है. Then he starts designing and developing the product. Product कैसा होगा, क्या कलर देंगे, क्या साइज होगा, क्वालिटी क्या रखेंगे, कितनी वैरायटीज होगी, ये सारी प्लान। देन आफ्टर ही फॉलोज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। और ग्रेडिंग एग्रीकल्चरल गुड्स में ज्यादा होती है, अगर आपने अलग अलग क्वालिटी के गुड्स बनाए तो उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। पैकेजिंग और लेबलिंग पढ़ लिया था, आज हमें सिक्स पॉइंट पढ़ना है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को एक स्पेशल नेम देना, जैसे एप्पल आईफोन, एप्पल उस ब्रांड का नेम है, सैमसंग किसी ब्रांड का नेम है, राइट? तो ब्रांडिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट का एक स्पेशल नेम डिसाइड करना, जिस नेम से आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा। तो क्या कह रहे हैं, कंपनी मे डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट इन कंपनीज नेम और दे मे डिसाइड अ स्पेशल ब्रांड नेम फॉर देयर प्रोडक्ट। कंपनी के नाम से भी बेच सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के लिए कोई अलग स्पेशल नाम भी रख सकते हैं, जैसे सोनी, बीपीएल एक्सेट्रा, ये जो कंपनीज हैं इनके खुद के नेम। और एयरटेल टाइट की बात करें तो ये स्पेशल ब्रांड नेम्स हैं जो सिलेक्टेड कंपनीज ने देखे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रांड नेम बहुत सोच समझ के सिलेक्टेड है, किस नेम से आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा ये बहुत सोच के आपको डिसाइड करना है, ठीक है? और अगर एक बार आपका ब्रांड चल गया तो कंज्यूमर लॉयल्टी डेवलप हो जाएगी और आपका ब्रांड नेम फेमस हो जाएगा। मैंने प्रोडक्ट को पैकिंग करके, ब्रांडिंग करके रेडी कर दिया है, प्रोडक्ट रेडी है कस्टमर तक जाने के लिए, पर उससे पहले मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा दैट व्हाट आर द एक्स्ट्रा सर्विसेज व्हिच आई विल बी गिविंग टू माय कस्टमर। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कौन कौन सी मैं कंज्यूमर को दूंगी, उसी के हिसाब से मैं मेरे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर लूंगी। अगर मेरे कंज्यूमर एसी लेके जा रहे हैं तो क्या मैं उनको इंस्टॉलेशन करवा के दूंगी, क्या मैं 1 ईयर का फ्री सर्विस दूंगी आफ्टर सेल सर्विस, क्या मैं मेंटेनेंस फैसिलिटी उनको दूंगी, ये सारी चीजें मैं पहले से डिसाइड करूँ। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इन प्रेजेंट डे एनवायरमेंट, अब जैसे क्लोथ्स है तो क्या मैं उनको इजी रिटर्न की पॉलिसी दूंगी, क्या मैं उनको ये अश्योरेंस दूंगी कि 1 साल बाद भी अगर कलर फेड हो जाता है तो आप हमारे पास ला सकते हो, तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। तो देखिए, इन प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरमेंट कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, किंग पिन है मार्केट का कस्टमर। So customer satisfaction is the main motto of every businessman. Har businessman ka main motive hai to satisfy the customer. So a very important function of marketing management relates to developing customer support services. Aapko decide karna hai kaun kaun si customer support services aap apne consumers ko do. For example, handling customer complaint kaise loge, after sales services kaun kaun si doge, maintenance services, consumer information aur aise bahut. कंज्यूमर आपका परमानेंट कंज्यूमर तभी बनेगा जब आप उसको मोर एंड मोर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। नाउ आफ्टर डिसाइडिंग द टाइप्स ऑफ सर्विसेज आई विल बी ऑफरिंग टू माय कंज्यूमर्स, आई विल सेट अ प्राइस फॉर माय प्रोडक्ट। प्राइस डिसाइड करेंगे हम, और प्राइस को इसके बाद क्यों डिसाइड करेंगे, क्योंकि जो कंपनी जितनी एडिशनल सर्विसेज देगी वो अपने प्रोडक्ट की रेट भी उतनी ही इंक्रीज कर देगी, क्योंकि वो सर्विस का पैसा चार्ज तो हमसे ही करेगी। तो देखिए, प्राइस मींस द मनी व्हिच अ कंज्यूमर हैज टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, वो पैसा जो एक कस्टमर को पे करना पड़ेगा सेलर को, वही प्राइस है। इट इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज कंज्यूमर इज हाईली प्राइस सेंसिटिव। Assertion और reason में पूछ सकते हैं, assertion दे सकते हैं, price is the most crucial element of marketing, और reason उसका दे सकते हैं because consumer is highly price sensitive, तो सही reason यही होगा, कुछ और reason दे दे तो वो wrong हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहे हैं, little variation in price may take your customers to competitors product, थोड़ा सा भी variation हुआ ना आपके competitor आपको आपके जैसा product कम रेट पे अगर देने लगे तो आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा।
Marketer keeps in mind various factors such as objective of firm, demand, competitions, etc. to decide the price. बहुत सारे factors वो ध्यान में रखता है price को finalize करने से पहले. अब पहले यहाँ तक learning कीजिए. Number one, market का research किया. We have gathered the information related with market. फिर हमने market की planning की. Then after we have started designing and developing the product. फिर हमने standardization और grading करके product की packing और labeling की. अब हमने ब्रांड नेम डिसाइड किया किस नाम से हमारा प्रोडक्ट जाएगा मार्केट में. फिर हमने कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज डिसाइड की कौन कौन सी सर्विसेज हमें देनी है और उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट की प्राइस सेट की. ठीक है, सब कस्टमर सपोर्ट सर्विस के हिसाब से हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट की. नाउ यू हैव टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्रमोशन एंड सेलिंग. मेरा प्रोडक्ट बन के रेडी है तो अब मैं इसकी पब्लिसिटी करूंगा. ठीक है, तो कस्टमर को मार्केट की इंफॉर्मेशन देने के लिए मार्केट में कौन कौन से गुड्स आ रहे हैं इनके बारे में बताने के लिए प्रमोशन और सेलिंग की जाएगी. प्रमोशन में वो सारी एक्टिविटीज आ जाएगी जो कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेट करने से रिलेटेड. जब भी कंज्यूमर को किसी भी तरीके से बताया जाता है कि कमोडिटी क्या है, कमोडिटी में क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्यों आपको कमोडिटी लेनी चाहिए, तो वो होता है मार्केट में प्रमोशन एंड सेलिंग का पार्ट. ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, रीडिंग करते ही समझ आ जाएगा. अब प्रमोशन और सेलिंग कर दी तो डिमांड क्रिएट कर दी. अब मैं गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करूँ और ये डिसाइड करूंगी कि मैं कौन सा चैनल चुनने वाली हूँ. वेदर आई विल बी सेलिंग माई प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कस्टमर या फिर मैं बीच में होलसेलर को दूंगी, मिडिल मैन को दूंगी, जिसमें रिटेलर, होलसेलर और एजेंट कोई भी आ सकता है. तो ये मुझे डिसाइड करना है. याद रखिएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सा चैनल यूज करोगे, कितना इन्वेंट्री हर वक्त आपके पास रहेगा, स्टोरेज कैसे करोगे, वेयर हाउसिंग कैसे करोगे. लास्ट के दो पॉइंट पढ़ाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एक जगह बन रहे हैं लेकिन सब जगह कंज्यूम हो रहे हैं और कुछ चीजें सब जगह बन रही है और सेलेक्टेड जगह कंज्यूम हो रही, तो ऐसे में गुड्स को मूव करवाना जरूरी और वो डिफरेंट कॉर्नर तक मूव करवाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया. And then storage and warehouse. अगर आपका प्रोडक्ट अभी कंज्यूम नहीं होने वाला है तो आप उसको तब तक फ्रेश रखेंगे जब तक उसकी डिमांड नहीं रहे. नहीं तो गुड्स सारे जो बन गए उसी टाइम तो कंज्यूम हो गए, नहीं टाइम गैप होगा, तो ऐसे में हम क्या करके रखेंगे, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी पे ध्यान. तो चलिए लर्न करते हैं. इनिशियली स्टार्टिंग कहाँ से होगी, मार्केट रिसर्च. मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, ताकि आप भी रिपीट करें और आपको याद हो जाए. ठीक है, सबसे पहले मार्केटर बिगिंस विद मार्केट रिसर्च, देन मार्केट प्लानिंग, देन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट. रिसर्च किया, उसके बाद प्लान किया, फिर प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का ध्यान रखा, प्रोडक्ट की पैकिंग और लेबलिंग की, उस पर ब्रांड नेम डिसाइड किया और उसके बाद में हमने क्या किया, प्रोडक्ट पे कौन सी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज देंगे ये डिसाइड किया, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट किया, फिर उसका प्रमोशन और सेलिंग की, लास्ट में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया. कैसे किया, ट्रांसपोर्टेशन यूज करके और वेयर हाउसिंग यूज करके. अब आपको बोल सकते हैं विच इज द सिक्स स्टेप ऑफ मार्केटिंग और उसमें चार ऑप्शन दे सकते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज द सिक्स्थ स्टेप ऑफ मार्केटिंग, तो आपको वो सिक्स स्टेप सीक्वेंस में याद होना चाहिए क्योंकि अब तो रिटर्न तो आने वाला नहीं है इस चैप्टर में से, ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको याद होना चाहिए. The marketing mix, very most important. आप सबकी टर्म वन की प्रोजेक्ट फाइल इसी पे होने वाली है, इसी चैप्टर पे होने वाली है, तो अच्छे से समझिएगा. पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रोजेक्ट फाइल में क्या करना है, उसी बेसिस पे चैप्टर को समझिएगा. हम अभी मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं. मार्केटिंग मिक्स क्या होता है ये पढ़ेंगे. इसमें प्राइस, पैकेजिंग, लेबलिंग ऐसी बहुत सारी चीजें आती है. तो फॉर द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ टर्म वन मैं क्या करूंगी, आप सबको कुछ प्रोडक्ट दे दूंगी. जैसे मैंने आशीष को कह दिया कोलगेट पे फाइल बनानी है, अवंत को कह दिया कि आपको कैप्सुलेट पे बनानी है, आयान को कह दिया कि आपको किसी हम कोई और सोप ले लेते हैं, किसी सोप पे बनानी है, भानु को मैंने कह दिया कैडबरी पे बनानी है, हिमाक्षी को मैंने कह दिया सनसिल्क पे बनानी है. तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे, हर प्रोडक्ट का मार्केटिंग मिक्स होता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका मार्केटिंग मिक्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपनी प्रोजेक्ट फाइल. तो वो बनाने के लिए आपको ये चैप्टर आना चाहिए. तो तसल्ली से समझना, इसके बाद हम प्रोजेक्ट वर्क ही करेंगे. मार्केटिंग मिक्स मीनिंग क्या है,
It refers to the ingredients or tools or variables which the marketer mixes in order to interact with a particular market. किसी मार्केट में कंज्यूमर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए, उनके साथ अपने इंटरेक्शंस करने के लिए आपको जो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने होते हैं, जो सारे टूल्स मिक्स करने होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स और टूल्स ही मार्केटिंग मिक्स है। इट मींस अगर मैं कंज्यूमर तक जाने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर रही हूँ, पैकेजिंग कर रही हूँ, प्रमोशन कर रही हूँ, ये सभी मार्केटिंग मिक्स। जैसे मिक्स वेजिटेबल बनती है ना, सारी सब्जियां डाल देते हैं, वैसे सारे फंक्शंस डाल दिए हैं और सारे फंक्शंस डाल के मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये वन मार्क में आ सकता है। मार्केटिंग मिक्स इज द एसेंस ऑफ एनी मार्केट एंडेवियर, यानी कोई भी मार्केट का साइकिल है तो उसका मेन एलिमेंट, उसका एसेंस मार्केटिंग मिक्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक है जो फर्म के मार्केटिंग एफर्ट्स को सक्सेसफुल करता है। नाउ हैव अ लुक, the concept of marketing, on one side there is customer and on the other side there is potential or market. marketing ka concept do hi logo se link hota hai, customer aur marketer, marketer ya producer, producer. ab dekhiye customer ke liye product banega aur banayega kaun, producer banayega. to dono cheeze dono ke upar dhyan rakhna zaruri hai. customer ki need bhi puri honi chahiye, marketer ko profit bhi hona chahiye. to kya keh rahe hain, dekhiye a firm looks for having transactions with the customer but to wait for this okay have a transaction, the firm has to develop a product or service, design it, pack it, name it, price it, promote it and distribute it. ye keh rahe hain firm ko customer ke sath transaction karna hai, but transaction karne ke liye kya karna padega, pehle product banana padega, fir product ki design decide karni padegi, matlab design ke according product ya service banenge, uski packing hogi, uska name decide hoga, price decide hoga aur uska promotion aur distribution. बहुत सारी चीजें मिलके मार्केटिंग मिक्स करते हैं। अब इसके फोर एलिमेंट्स हैं, इनको फोर पीस भी कहते हैं। फोर पी ऑफ मार्केटिंग, क्या बोला मैंने, फोर पी। हैव अ लुक, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। अब आप इसको पी भी कह सकते हो, पिलर्स भी कह सकते हो। ये फोर पिलर्स होते हैं। कौन कौन से पिलर्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चार मेन डिसीजन है किसी भी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए। प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये मार्केटिंग के चार पिलर है। प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग। प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि कैसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, और फिर उसके प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सारे एक एक टॉपिक इंडिविजुअली बहुत डिटेल में गिवन है आपके लिए, ठीक है। पहले ये याद रखना कि ये फोर एलिमेंट्स मैककार्थी ने दिए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना। नाउ हैव अ लुक, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फोर पीस ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग पढ़ना है, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पढ़ना है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस पढ़ना है, प्राइस, प्लेस पे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते कौन से हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन में वापस चार चीजें पढ़नी है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। ओके, नाउ एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट क्या होता है, एनीवन, और ये एक सिंगल चैप्टर ऐसा है जो कहता है प्रोडक्ट और सर्विस एक ही चीज है। हमें हर जगह हमने ये पढ़ा है प्रोडक्ट टेंजिबल होते हैं और सर्विसेज इनटेंजिबल होती है। यहाँ पे तो इन्होंने कहा है आप किसी टूरिज्म स्पॉट पे भी जा रहे हो तो वहाँ की जो ब्यूटी है वो भी प्रोडक्ट है, उसकी भी मार्केटिंग की जा रही है। आप देखते हैं ना टीवी में टूरिज्म प्लेसेस की मार्केटिंग की जाती है, तो हर वो चीज जिसकी मार्केटिंग कर सकते हैं वो प्रोडक्ट है इन द लैंग्वेज ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। रीड करिए, वन मार्क क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे। द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाइज द टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स ऑफर्स टू द कस्टमर व्हिच इज द सैटिस्फायर ऑफ नीड। टेंजिबल है तो भी प्रोडक्ट और इनटेंजिबल है तो भी प्रोडक्ट, यानी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो भी प्रोडक्ट ही है। किसके अकॉर्डिंग, मार्केटिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इन्होंने प्रोडक्ट और सर्विस में कोई डिफरेंशिएशन नहीं की।
अब ये देखिए, प्रोडक्ट इज द बंडल ऑफ यूटिलिटीज, आपको पूछ सकते हैं डैश इज द बंडल ऑफ यूटिलिटीज, तो आपको लिखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूटिलिटीज का बंडल है, यानी प्रोडक्ट में हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की बहुत सारी पावर है। प्रोडक्ट मिक्स का क्या मतलब है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाते हैं प्रोडक्ट मिक्स, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या रहेगी, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी होगी, पैकिंग कैसे करोगे, लेबलिंग कैसे करोगे और बहुत सारी चीज। प्लस एक इम्पोर्टेंट बात आती है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, सभी बच्चे अलर्ट रहे, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट वन मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वन मार्क का एक इम्पोर्टेंट है, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही पूछूंगी कि प्रोडक्ट असॉर्टमेंट क्या होता है। सुनिए, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मतलब है एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर प्रोड्यूसर मार्केट में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर करने वाला है। हमें प्रोडक्ट की डिसीजन लेते टाइम ये भी सोचना है कि मैं मार्केट में कितने तरीके के प्रोडक्ट्स ऑफर करूंगी। जैसे पतंजलि ने सोचा कि वो मेडिसिन भी लाएगी, वो कॉस्मेटिक्स भी लाएगी, फूड ग्रेन्स भी लाएगी, तो ये उसका प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है। मैंने सोचा मैं मिठाई का भी बिजनेस करूंगी और नमकीन का भी करूंगी, तो ये मेरा प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है। तो मीनिंग रीड कीजिए, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर्स टू द मार्केट। एक कोई पर्टिकुलर प्रोड्यूसर मार्केट में जो जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है वो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है। एग्जाम्पल गिवन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सोप्स, डिटर्जेंट, टी, टूथपेस्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें दे रही है। When firm starts its marketing operation, it starts with one product, but later it expands and diversifies its activities by introducing more variety of products. शुरुआत एक से करते हैं, but फिर धीरे-धीरे varieties add करते रहते हैं, ठीक है? तो example given है कि निर्मा की जब शुरुआत हुई थी, निर्मा company की, तो पहले तो वो सब detergent powder बना रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या किया उन्होंने, other lines में भी entry ली। Is it okay to everyone? बताइए। अब product mix के तीन component हैं। प्रोडक्ट का मीनिंग हमने पढ़ा, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मीनिंग पढ़ा, प्रोडक्ट मिक्स का मीनिंग पढ़ा। अब तीन कंसेप्ट है प्रोडक्ट के अंदर, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। आप रीड करके रखिए, आपका होमवर्क है सैटरडे संडे, यू हैव टू रीड द फर्स्ट पॉइंट ब्रांडिंग एंड देन यू हैव टू पूरा ब्रांडिंग पूरा पढ़ के रखना है, सब कुछ पढ़ के रखना है, आराम से समझ आएगा। फिर आपको पैकेजिंग पढ़ के रखना है, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रीडिंग करते ही समझ आने वाला टॉपिक है, और फिर आपको लेबलिंग रीड करके रखना है। ये सारी पार्ट आप रीड करके रखेंगे और नेक्स्ट क्लास का एक्सप्लेनेशन आप लोगों की साइड से। अब जो इस चैप्टर की नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सारी चीजें आप ही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे अच्छे से रीडिंग करके रखें और अच्छे से पढ़ के रखें। एनीवन, एनी डाउट्स? नो? ऑल राइट। Okay then, if you are not having any doubts, then I'm ending the class over here. Make sure you have to learn chapter number 11 up to product mix, and then you have to read the four parts, right? You have to read branding, packaging, labeling, and product also. Have a nice day, everyone. Enjoy yourself.